ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने छह राशियों की बात की थी, चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जातकों के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, अपने आप की किसी से तुलना मत कीजिए, और जब भी आप तुलना करते हैं तो अपने आप को छोटा मत समझिए। यू आर द परफेक्ट मैन, यू आर द परफेक्ट पर्सन। अपने जीवन का लक्ष्य ढूंढिए, इस जन्म का उद्देश्य जानने का प्रयास कीजिए और उसकी ओर आगे बढ़ जाइए। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करें। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज यदि कोई निर्णय लेने से में दुविधा हो रही हो, कन्फ्यूजन का पार्ट हो, तो किसी से सलाह कर लीजिएगा। आज का दिन अच्छी तरीके से गुजरे इसके लिए आपको अपने अहंकार को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को साइड में रखना होगा। आज के दिन की सफलता के लिए बंदरों को केले खिलाएगा। अगली जो राशि वह है धनु राशि। तेजी से काम करने की आदत बनाइए, व्यापार में, व्यवसाय में शिष्ट जो है वो योग बन सकते हैं। नए रास्ते खोजने, नए विकल्पों पर विचार करने में संकोच मत कीजिए। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान गणेश की आराधना करके दिन की शुरुआत कीजिए। पंडित जी, अक्सर देखा जाता है कि जितने भी जो स्टूडेंट हैं, अपनी शिक्षा को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर काफी चिंतित रहते हैं। इसी समस्या से संबंधित हमारे पास एक मेल प्राप्त हुआ था हमें सचिन जी का, श्री गंगानगर से। पंडित जी, इनकी जन्म की तारीख है 8/7/1993 और उनके जन्म का समय है शाम का 4:20 का। पंडित जी एक्चुअली जानना चाहते थे आपसे कि अभी कंपनी सेक्रेटरी की पढ़ाई कर रहे हैं, पर काफी प्रयास करने के बावजूद भी ये सीएस इनका क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो कब तक इनका सीएस क्लियर हो जाएगा और उसके लिए इन्हें क्या क्या उपाय करने चाहिए? देखिए बेटा सचिन, नो डाउट योर हॉरोस्कोप इज वेरी गुड, बट यू आर पासिंग फ्रॉम नेगेटिव टाइमिंग फ्रॉम जनवरी 2015 ऑनवर्ड। गुरु की महादशा राहु का अंतर, राहु आपके दिमाग में बैठा है, सोच में बैठा है। राहु क्या करता है, फ्लक्चुएट करता है, कंफ्यूज करता है। आपके दिमाग में स्टेबिलिटी नहीं है, अनस्टेबल है आपकी सोच, रियली आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का पार्ट रहेगा। और अभी गुरु की महादशा राहु का अंतर चल रहा है, चंडाल योग बोलते हैं। दिस नेगेटिव टाइम विल फिनिश बाय जून 2017। तो जब जून 2017 के बाद ही आपके जितने भी जो भी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सब क्लियर होंगी। उसके बाद अच्छा समय आएगा, कन्फ्यूज़न के पार्ट को दूर रखिए। और हमारे जो अर्पित भाई हैं वो अक्सर कहते भी हैं इस बात को कि भाई पढ़ना तो पड़ेगा ही दोस्त, ऐसा खाली पंडित जी बता दें और सिलेक्शन हो गया ऐसा भी नहीं होता है। सो यू हैव टू पुट मोर एफर्ट्स। राहु में भी हो सकता है, जब तक आप 500% एफर्ट्स करेंगे तो 100%, लेकिन जून 2017 के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, क्योंकि उसके बाद आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय शुरू हो रहा है। परफेक्ट हॉरोस्कोप है। हर रविवार को भैरव जी के दर्शन कीजिए, दाल की कचौरी, दही मर्ती चढ़ाइए, और इफ़ यू वांट बेटर लक, एक पन्ना रत्न हमेशा पहन के रखिए। तो सचिन जी, पंडित जी द्वारा बताया गया आसान से उपाय कीजिएगा, आपको जरूर से फायदा होगा। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, अरुण जी हैं अलवर से, जो कि अपने भाई पर्व के लिए जानना चाहते हैं। पर्व की जन्म की तारीख है 31/8/1995 और उनके जन्म का समय है सुबह का 8:45 का। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। अरुण जी, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी, एक्चुअली लगता है कि उनका संपर्क हमसे नहीं हो पा रहा है, वो जानना चाहते थे कि उनका जो भाई है पर्व, वो पढ़ाई में काफी कमजोर है, उनका आने वाला भविष्य कैसा होगा? देखिए बेटा अरुण, जहाँ तक पर्व की बात है, ऐसा नहीं है कि ये बच्चा पढ़ाई के अंदर कमज़ोर हो सकता है। इसको टेक्निकल लाइन में, मतलब लोहा, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इस तरह की लाइन के अंदर इसका करियर बनाए, निश्चित तौर पे बच्चा बड़ा सक्सेस स्टोरी बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। गुरु की महादशा इसको चल रही है, एक संगत का ध्यान रखिए, अच्छी संगत रहेगी, सोच अच्छी रहेगी, अच्छी दोस्ती रहेगी तो आपकी सोच भी अच्छी रहेगी। जन्म कुंडली बहुत अच्छी है, जन्म कुंडली में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। चंद्र मंगल योग इस बच्चे के बना हुआ है, बुध उच्च का बना हुआ है, प्रमोट करने की आवश्यकता है। जब बच्चे भ्रमित होते हैं तभी तो कहते हैं कि हु इज़ द बेस्ट गुरु, पहला गुरु कौन है और सबसे अच्छा गुरु कौन है। माता पिता सबसे अच्छे गुरु, बड़े भाई बहन सबसे अच्छे गुरु, सबसे पहले गुरु वो है। तो आप लोगों का फर्ज है इस बच्चे को राइट डायरेक्शन देने की जरूरत है, और अगर आपने इसे सही दिशा दे दी तो ये बच्चा बहुत आगे बढ़ेगा।
कोशिश कीजिएगा, कुंडली अच्छी है, कुंडली में किसी भी तरह का कोई दोष नहीं है बेटा। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवीण जी हैं कोटा से, जो कि अपने पुत्र अंशु के लिए जानना चाहते हैं। अंशु की जन्म की तारीख है 2/9/1987 और उनके जन्म का समय है सुबह का 9 बजे का। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। प्रवीण जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, जी प्रवीण जी, अपना सवाल पूछिए। मैडम पंडित जी नमस्कार, जय श्री कृष्णा। अच्छा, मेरा बच्चा आईटी सेक्टर में काम कर रहा है सर, गुड़गांव में। हाँ हाँ। इसका जॉब, इसका जॉब कब चेंज होगा और इसको ये विदेश जाएगा या क्या होगा? इसका ज्येष्ठा नक्षत्र का जन्म में पूजा कराई थी आपने? हाँ, करा ली थी साहब, ज्येष्ठा नक्षत्र की। ठीक है, देखिए प्रवीण जी, बच्चे की जन्म कुंडली में अभी तो फिलहाल सितंबर 2015 से, सितंबर लास्ट ईयर 2015 ऑनवर्ड से शुक्र की महादशा केतु का अंतर चल रहा है। केतु इट्स बिहेव लाइक ए स्नैक टेल, सांप की पूछ टेढ़ी चलती है, वैसे ही इसका पीरियड जो है वो फ्लक्चुएशन वाला पीरियड है। दिस नेगेटिव टाइम विल बी एंड बाय 10 नवंबर 2016, नवंबर के महीने की 10 तारीख को ये खत्म होगा। उसके बाद में इसका थोड़ा सा बेटर पीरियड शुरू होगा। मान के चलते हैं कि इसकी विदेश यात्रा का योग जो है वो नवंबर 2016 के पश्चात बनेगा, यानी 2017 में 101% ये बच्चा एनआरआई बन सकता है, विदेश में सेटल हो सकता है, इसमें कोई दोराय नहीं। चूंकि वृश्चिक राशि शनि की 7:30 ही चल रही, तो एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करवा दीजिए, दूध दही चावल सफ़ेद चीज़ों का सेवन बंद करा दीजिए और एक पन्ना रत्न पहना दीजिए, वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करा दीजिए, बहुत जल्दी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए दर्शकों, अभी के आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अंतिम तीन राशियों की, जो कि मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज पार्टनरशिप में काम करना आपको प्रॉफिटेबल रहेगा, अकेले भी अपना रास्ता तय कर सकते हैं, इसमें कोई दोराय, लेकिन जोखिम और रिस्क ज्यादा है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी गरीब कन्या को बिस्कुट के पैकेटों का दान कीजिएगा। अगली जो राशि है कुंभ राशि, अपने मन की बात सुनिएगा, जो मन कह रहा है उसको सुनिएगा और अपनी जो विचारधारा है, आइडियोलॉजी जो है, उसको बहुत ज़्यादा त्यागने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं वैसे रहिए, परफेक्ट पर्सन है। आज के दिन की सफलता के लिए गणेश मंदिर में मीठा पान चढ़ाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। आज के दिन आपको कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़ सकता है जिसे आप कुछ समय से टालते आ रहे हैं, जितनी जल्दी उस विषय को फिनिश कर लेंगे, निपटा लेंगे, उतनी ही सहजता से उसका समाधान हो जाएगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो दर्शकों, ये तो हमने बात की अभी तक आज के दैनिक राशिफल की, चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का गुड लक टिप क्या कुछ खास लेकर आया है आप सभी के लिए। दोस्तों, आज सूर्य षष्ठी व्रत रखा जाएगा। ये जो व्रत है वो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। ये जो पर्व है विशेषकर भगवान सूर्य देव की आराधना और पूजा से संबंधित है। जिस घर के अंदर बहुत ज्यादा पिता पुत्र के बीच में कलेश रहती हो, अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती हो, साथ बैठ ही नहीं सकते हो, उनको आज के दिन भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए। आज के दिन भगवान सूर्य की पूजा के साथ साथ गायत्री मंत्र का स्मरण किया जाता है। जो भक्त विधिवत तरीके से आज के दिन सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें पुत्र का सुख प्राप्त होता है, आरोग्य प्राप्त होता है, धन की प्राप्ति होती है। वैसे भी भगवान सूर्य की उपासना हर तरीके से शुभ फल देने वाली मानी गई, तो आज के दिन सूर्य देव की उपासना करना विशेष रूप से सुखकारक माना जाता है, दुख और संताप से मुक्ति मिलती है। सरल से विधि, कोई विशेष हार्ड विधि नहीं है। सूर्य भगवान को आज दैनिक क्रम से निवृत्त होकर घर या घर के बाहर बने किसी भी जलाशय, नदी, नहर में स्नान करें। स्नान करने के पश्चात सूर्य भगवान की आराधना अवश्य करें। भगवान सूर्य को जलाशय, नदी अथवा नहर के समीप खड़े होकर अर्ध प्रदान कीजिए। शुद्ध घी से दीपक जलाएं, कपूर, धूप, लाल पुष्प इत्यादि से भगवान सूर्य का पूजन करें। दिन भर भगवान सूर्य का मनन करना चाहिए। अपाहिज कोई व्यक्ति हो, गरीब हो, ब्राह्मण हो, उसको अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। सूर्य भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम घणी सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। इसके अतिरिक्त आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कीजिए। आज के दिन भगवान सूर्य की आराधना पिता पुत्र के जो बिगड़ते हुए जो रिलेशन से उनको ठीक कर सकती है। तो आज व्रत अवश्य कीजिएगा। व्रत नहीं कर सके अभी, चूंकि समय भी 10 बज गई है, तो आप अपना आज का दिन भगवान सूर्य के मंत्रों का जाप अवश्य कीजिएगा। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारा प्रोग्राम आज आपको काफी पसंद आया होगा।
पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है, उस समस्या का आप समाधान चाहते हैं, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।